ये देखो भाई, से चल रही है WWE जॉन सीना वर्सेस डिम मैक्स एंड मुन्ने। ये चल रही है WWE की फाइट और देख सकते हो कौन जीतेगा इसमें भाई। इसमें भी जो भारी दवा बोल रहा था वो भाई मुन्नी ने बोल रखा मैक्स के ऊपर, पूरा लेटा दिया जमीन पे। और आगे देखते रहो क्या क्या होने वाला है भाई, कौन किसको कौन जीतता है दोनों में से। ये देखो काफी खतरनाक फाइट चल रही है दोनों के बीच में, और देखते रहो कौन जीतेगा भाई। रिजल्ट के लिए बने रहो वीडियो पे, देखते रहो क्या होता है वीडियो पे भाई। ये देखो ये भाई मैक्स और मुन्नी, मैक्स गया भाई, ये देख चुका है नीचे। ये देखते रहो, ये चढ़ गई इसके ऊपर, फिर लेटा दिया, फिर दोबारा चपटकी दे दी मैक्स को यहाँ पर। अब मैक्स दोबारा अटैक करते हुए, ये अटैक करते हुए ये पहुंच गया भाई बेड के ऊपर। ये दोबारा से मैक्स पकड़ने की कोशिश कर रहा है पर लेकिन पकड़ नहीं पा रहा है मुन्नी। ये भाई ये देखो दोबारा पकड़ते हुए मैक्स का अपना धावा बोलते हुए दोबारा ये चढ़ गया इसके ऊपर और कालों से पकड़ने की कोशिश करते हुए मुन्नी को, पर लेकिन पकड़ नहीं पा रहा है मुन्नी ने। फिर दोबारा से एक बार धावा बोल दिया इसके ऊपर, ये देखते रहो। ये दोबारा फिर ये काफी खतरनाक फाइट दोनों के बीच में, और मुन्नी को आप लेटा दिया मैक्स ने। आप देखते हैं कौन दोनों में से जीतेगा, देखते रहो भाई। ये दोबारा शांत बैठ गया और मैक्स ने कर दिया इसको बाय अटैक। ये दोनों की खतरनाक फाइट दोनों के बीच में, और हम कैमरामैन राहुल के साथ देखते रहे भाई दोनों की फाइट। आप कितनी खतरनाक फाइट चल रही है दोनों की, रिजल्ट कुछ निकल नहीं पा रहा भाई। दोनों शांत हो चुके हैं, दोनों थक गए हैं। फिर से फाइट एक बार, फिर से मुन्नी ने अटैक कर दिया इसके ऊपर। ये है मुन्नी, मुन्नी अब थक चुकी है भाई, कैमरे के आगे अपना मुंह दिखा रही है। ये चबा रही है अपने लकड़ी जो कबीर ने खाई थी थोड़ी देर पहले। ये भाई मैक्स भी थक गया, ये बैठ गया है चुका। शायद इसने हार मान लिया है, इसने नहीं हार नहीं मानी, दोबारा से उठ गया है और चला गया नीचे। ये खड़ी है ऊपर, ये विजेता आज की विनर जो है हमारी भाई है मुन्नी, आज की विनर हमारी मुन्नी। लेकिन मेरे को भी काटने आ रही है, मैक्स हार चुका है। तो गाइस नेक्स्ट फाइट में देखते हैं कौन जीतेगा, आज की जो विनर हमारी मुन्नी है, और कल की वीडियो में देखो अब क्या होता है कौन जीतेगा भाई। ये नहीं मान रहे हैं, मैक्स ने हार मान ली, बल्कि मुन्नी छोड़ नहीं रही है, शायद इसको पटक के ही छोड़ेगी। अब मैक्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए भाई, इसने हार मान चुकी है देखो। ये आज की फाइट में बैन करते हैं, पर लेकिन दोनों मानने को तैयार नहीं है। मुन्नी इसके बार बार चढ़े जा रही है, बेले जा रही है उसको। ये भाई ये देखो फिर से पहले पहले की मैक्स ने जो अपने हाथ खड़े कर दिए, शायद वो बैन बजाने की कोशिश कर रहा है। टू जो डब्ल्यू में चलती है, पर लेकिन अब कोई हमारे पास ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है भाई, तो इस वजह से हमको मैक्स की जो आवाज़ है वो सुन नहीं पाएंगे। और मैक्स लेटा दिया है इसने, बिल्कुल चारों खाने चित कर दिया है मैक्स को। ये है मुन्नी, बिल्कुल चारों खाने चित कर दिया भाई मैक्स को। मैक्स उठ भी नहीं पा रहा है, अब मैं कूटने की कोशिश कर रहा है पर लेकिन मुन्नी दोबारा से इसको पकड़ ले रही है। ये देखो काफी खतरनाक फाइट चल रही है इन दोनों के बीच में, देख सकते हो आप। मैक्स ने तो हाथ मान लिया पर लेकिन मुन्नी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं भाई। जैसे रिंग स्टूडियो को पेल देता है ना अंडरटेकर, वैसे ही इनका हाल हो रहा है यहाँ पर। मैक्स को आप रिंग स्टूडियो समझ सकते हो, जर्मन शेफर्ड को अपनी मुन्नी है भाई, इसको समझ सकते हो। द ग्रेट खली अपनी दलीप सिंह राणा, द ग्रेट खली। ये भाई फिर भी हार मानने को तैयार नहीं है मैक्स, उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है बार बार। काफी जबरदस्त यहाँ पर दे दिया है आरकेओ, रैंडी ऑर्टन का आरकेओ दे दिया मुन्नी ने, और बिल्कुल दोबारा से चढ़ गया। ये चढ़ गई ऊपर, अब रिंग में ले गई है। रिंग में ले जाने के बाद देखता है, रिंग में ले जाने के बाद मैक्स हो गया हावी मुन्नी के ऊपर। मैं दोबारा से फिर से पकड़ लिया, अपना चोक स्लैम दे सकता है शायद मैक्स यहाँ से अब, पर लेकिन नहीं दे पा रहा चोक स्लैम भी। फिर से मुन्नी दोबारा अपनी आरकेओ दे दिया है और ये पटकने की कोशिश कर रही है। ये देखो